नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यह जानकारी दी कि मनुष्य सबसे पहले बसना प्रारंभ किया। मनुष्य पहले तो खानाबदोश था, पूरी तरह से खानाबदोश था, जंगल भालू या अन्य जानवर की तरह इधर उधर केवल भटकता था। लेकिन मनुष्य सबसे पहले एक अस्थायी निवास बनाकर एक जगह रहना शुरू किया, तो वह हमारे देश भारत में। जब जर्मनी में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में या यूएसए में या कहीं भी किसी भी आज के अति विकसित देशों में जब लोग पशुओं की भांति इधर उधर टहला करते थे, घुमा करते थे, जंगली कंदमूल खाते फिरते थे, मतलब एक जगह स्थायी निवास बनाकर नहीं रहते थे, उस समय हमारे देश भारत में विंध्य पहाड़ी में नर्मदा घाटी के क्षेत्र में मनुष्य अस्थायी रूप से रहने लगा। तो इसका चर्चा परिचर्चा पिछले वीडियो में हमारे द्वारा किया गया था, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अब आज के वीडियो में मैं एक और सॉलिड जानकारी दूंगा एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट की सीरीज में, आज के वीडियो में, कि मनुष्य सबसे पहले जो नगरों का विकास हुआ वह कहां हुआ था। आज आप देखते हैं आज आप देख रहे हैं कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगर आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरह के नगरों का विकास सबसे पहले कहां हुआ था। आप सोचेंगे ब्रिटेन में हुआ होगा, फ्रांस में हुआ होगा, जर्मनी में हुआ होगा, जापान में हुआ होगा, चीन में हुआ होगा। नहीं भाइयों, सबसे पहले नगरों का विकास जो हुआ था वह हमारे देश भारत में ही हुआ था। हमारा देश भारत ही सबसे पहले नगरीकरण की उत्पत्ति का जनक माना जाता है। सबसे पहले नगरों का विकास हमारे देश भारत में हुआ था। सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बीच हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, चन्हुदड़ो, कोटदीजी आदि 5-6-7 जो नगर थे वह सिंधु और सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे इन नगरों का विकास हुआ था 4700 वर्ष पूर्व इन नगरों का विकास हुआ था। आज से 4700 वर्ष पूर्व हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, कोटदीजी, चन्हुदड़ो यह बड़े बड़े नगर थे। अब आप सोचिए, जब सभ्यता नहीं थी तब यहां सभ्यता उदय हुआ था, और 4700 वर्ष पूर्व कोटदीजी, रोपड़, लोथल और हड़प्पा आदि नदियों नगरों का विकास हुआ था, जिसमें हड़प्पा जो नगर का विकास हुआ था वो रावी नदी के किनारे हुआ था। कालीबंगा का जो विकास हुआ था घग्गर नदी के किनारे हुआ था। जो मोहनजोदड़ो का विकास हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। चन्हुदड़ो का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। रोपड़ नगर का जो विकास हुआ था सतलज नदी के किनारे हुआ था। और यह जो भी नगर थे सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे बसे हुए थे। तो 4700 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ नगरों का विकास हुआ था। तो पहली नगरीकरण की उत्पत्ति जब हुई थी वह हड़प्पा मोहनजोदड़ो के काल में हुई थी 4700 वर्ष पूर्व। दूसरी नगरीकरण का भी विकास भारत में हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। आज से 2500 वर्ष पूर्व, मतलब आप समझिए 2500 वर्ष पूर्व भी विश्व के किसी भी देश में नगर नहीं थे, तब भी हमारे ही देश में नगरों का विकास हुआ था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 6 नगरों का विकास हुआ था। चंपा राजगृह श्रावस्ती काशी साकेत कौशाम्बी 6 नगरों का विकास हुआ था गंगा और उसकी सहायक नदी के किनारे 2500 वर्ष पूर्व। तो द्वितीय नगरीकरण का जो काल माना जाता है वो महाजनपद काल को माना जाता है, और उस समय 16 महाजनपदों का उत्पत्ति हो गई थी बुद्ध और महावीर के काल में, मतलब 2500 वर्ष पूर्व 16 महाजनपदों का उत्पत्ति हो गया था। और उन 16 महाजनपदों में 6 बहुत बड़े प्रचंड नगर थे, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी और साकेत और कौशाम्बी, जिसमें चंपा जो नगर था वह अंग महाजनपद की राजधानी थी। चंपा जो राजगृह था वह मगध महाजनपद का राजधानी था, राजगृह, और मगध जो था वह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रचंड महाजनपद था मगध। और मगध राज्य की जो राजधानी थी वह थी राजगृह, वह भी एक नगर थी। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती जो था कोसल महाजनपद का राजधानी था, श्रावस्ती, फिर काशी जो था वो काशी महाजनपद की राजधानी थी, और साकेत जो था, साकेत वही था जो आज का जो अयोध्या है उस समय साकेत कहा जाता था, वह भी उस समय बहुत बड़ा नगर था।
और लास्ट में कौशाम्बी जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी, आधुनिक इलाहाबाद का जो क्षेत्र पड़ता है, आधुनिक प्रयागराज का जो क्षेत्र पड़ता है वह वही है कौशाम्बी। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया कि 4700 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ नगरों का विकास हुआ था और वही पहला नगरीकरण माना जाता है। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा मोहनजोदड़ो का काल 4700 वर्ष पूर्व, द्वितीय नगरीकरण 2500 वर्ष पूर्व का काल महाजनपद का काल जिसमें 6 नगरों की उत्पत्ति हुई थी, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी। और तृतीय नगरीकरण जो माना जाता है उस सल्तनत काल को माना जाता है 12वीं-13वीं सदी को। तो इस तरह नगरों का विकास जो हुआ था वह हमारे देश भारत में हुआ था। तो इस बात पर एक बार फिर छाती आप लोग ठोकिए, उस बार भी आप लोगों ने छाती ठोका, पूरी तरह से गर्व किया कि गेहूं और धान की खेती का जो आरंभ हुआ था वह हमारे देश भारत में हुआ था। मनुष्य सबसे पहले घर बनाकर बसना प्रारंभ किया था वह हमारे ही देश भारत में ही नर्मदा घाटी के क्षेत्र में पैदा, मतलब मनुष्य बसना प्रारंभ किया था। कृषि का भी विकास हमारे देश भारत में हुआ था। और इस बात पर भी गर्व करिए कि सबसे पहले नगरों का विकास जो हुआ था वह भी हमारे देश भारत में ही हुआ था। हमने एक बात आपको बताया कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, कोडदीजी, चनहूदड़ो, बहुत सारे नगरों का बात किया पर जो 4700 वर्ष पूर्व के नगर थे, लेकिन यह सभी नगर जो थे पहले थे अब नहीं हैं। लेकिन 2500 वर्ष पूर्व जो नगर थे उसमें 6 नगर थे, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी। काशी पर जोड़ दीजिएगा, काशी वह नगर है काशी जिसे आधुनिक इस समय वाराणसी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। वाराणसी उसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वह बरुड़ा और अस्सी नदी के किनारे बचा हुआ है। दो धाराएं हैं बरुड़ा और अस्सी, दो छोटी छोटी नदियां जब मिल जाती हैं उन्हें वाराणसी, मतलब इसीलिए उसे वाराणसी कहा गया, वाराणसी नाम इसलिए पड़ा था। तो बनारस जो है, जो वाराणसी है वह विश्व का सबसे पुराना जिंदा शहर है। बाकी तो शहर, कितने शहर आए, कितने शहर चले गए, लेकिन बनारस वह शहर है जो पहले भी था और अब भी है। 2500 वर्ष पूर्व पहले भी था और अब भी है। जिसने भी छुआ वह स्वर्ण हुआ, सब कहे मैं पारस हूं, मेरा जन्म महाशमशान, मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूं। तो जिंदा शहर बनारस है जो 2500 साल पहले भी था, अब भी है। तो विश्व का सबसे पुराना शहर कौन है जो अब भी है, वह है बनारस। म्यूजिक ऑफ सिटी भी बनारस को बोलते हैं, कुछ लोग लाशों का शहर बोलते हैं, कुछ लोग कवियों का शहर बोलते हैं, कुछ लोग विद्वानों का शहर बोलते हैं और कुछ लोग काशी विश्वनाथ का शहर बोलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे जानकारी तो उसको शेयर भी करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ISPCS फ्री मटेरियल्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ISPCS फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको निःशुल्क मिलेंगे जो आपके किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। धन्यवाद।